आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की है चेतावनी, तो देश के किन किन राज्यों में अब बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो दिल्ली में 3 दिन तेज हवा के साथ आंधी का अलर्ट, पंजाब हरियाणा और राजस्थान में बारिश का है अनुमान। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये कहा है कि दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और यहाँ पर बिहार के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश यहाँ पर हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट के साथ मई की भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान हरियाणा के अधिकतर इलाकों में आज बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं दिल्ली NCR में आज सुबह से ही यहाँ पर कुछ इलाकों में यहाँ पर धुंध यहाँ पर छाई हुई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम यहाँ पर दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के वजह से दिल्ली से सटे हरियाणा राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा और राजस्थान में बादलों की आवाजाई के बीच हल्की बारिश और बूंदाबांदी की आज संभावना यहाँ पर जताई गई है। इसके अलावा पंजाब के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा यहाँ पर यूपी और UP-MP के भी कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। MP के 22 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट यहां पर पहले से ही जारी कर रखा है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान मौसम गतिविधियों की बात करें तो स्कैमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी पूर्वी भारत, सिक्किम, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु कुछ हिस्से और आंध्र प्रदेश और तटीय आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ओडिशा और कोंकण में तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के अलग अलग हिस्सों में, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश होगी। वहीं चक्रवाती तूफान यास का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तूफान 26 मई को यहाँ पर आने वाला है। 26 मई शाम को ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों से ये टकराने की संभावना जताई जा रही है। इसके कारण इन इलाकों में पहले से ही अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वह चक्रवाती तूफान तोकते के बाद देश के पूर्वी तटियों पर ये जो चक्रवाती तूफान यास है उसका खतरा मंडरा रहा है। वही बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान यास का उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में ये दस्तक दे सकता है। वह मौसम विभाग ने कहा है कि ये जो कम दबाव का क्षेत्र है गहरे दबाव में तब्दील होने का अनुमान इसमें जताया गया है और 26 मई को इसका तांडव देखने को मिल सकता है। इसके लिए मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वहीं बंगाल और उड़ीसा के तटों पर ये तूफान पहुंचने की संभावना है। वहीं चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही इससे निपटने के लिए NDRF की टीमों को यहाँ पर लगा दिया गया है। चलिए बात करते हैं अब राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की, तो राजस्थान में आज तेज हवा के साथ चमाचम बारिश की है संभावना। राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। कल शाम से ही राजस्थान के कई इलाकों में मौसम ने अचानक यहां पर करवट ले ली है। वहीं तेज ठंडी हवाओं चलने के साथ बादलों की आवाजाई के बीच हल्की बूंदाबांदी का दौर राजधानी जयपुर समेत अन्य जगहों पर देखने को मिला है। वहीं पश्चिम विक्षोभ के असर के चलते मौसम का मिजाज 2 दिन तक यूं ही देखने को मिलेगा। वहीं इस दौरान विभिन्न जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि आज राजधानी जयपुर में यहाँ पर आज और कल कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं, मौसम विभाग ने यह बात कही है। वही कल जयपुर के कुछ इलाकों में यहाँ पर दिन में बीच बीच में धूप गिरी, इस बीच बादलों की आवाजाही और ठंडी हवा का दौर देखने को मिला था। इससे जो तापमान है वो 4 से 5 डिग्री की गिरावट जयपुर में दर्ज की गई है तापमान में। वह राजधानी जयपुर के अलावा देर रात बीकानेर, टोंक, सीकर और गंगानगर, डूंगरपुर, टोंक और नागौर में तेज हवा के साथ यहाँ पर बारिश हुई है। वही मौसम विभाग ने पश्चिम विक्षोभ के कारण प्रदेश में आंधी व बरसात का अलर्ट यहां पर जारी किया है। वही पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी व बरसात की संभावना यहां पर जताई है। वही राजस्थान में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर, अलवर, सीकर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा में मेगा गर्जन के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने के साथ साथ हल्की बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। वहीं जयपुर के जोबनेर में कल सुबह यहां पर हल्की बूंदाबांदी हुई थी। धूप के बाद बादलों की आवाजाही लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम वैद्यशाला के यहां पर अधिकारी ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से यहां पल पल मौसम यहां पर बदल रहा है। वहीं जयपुर में सुबह का पारा
कल यहाँ पर 23 डिग्री दर्ज किया गया है भैया। आगामी 3 घंटों के लिए जयपुर में यहाँ पर 3 घंटों के लिए 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ साथ यहाँ पर नागौर, सीकर, जयपुर, राजसमंद, पाली और जोधपुर और उदयपुर में हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बात यहाँ पर कही है। चलिए बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की। धूप चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार पर भी पड़ेगा। पूरे राज्य में 26 और 27 को जारी किया गया है अलर्ट। बिहार में भी चक्रवाती तूफान यास का असर यहां पर देखने को मिल सकता है। जो यास तूफान आ रहा है बंगाल की खाड़ी में, उसका असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। इसको लेकर पटना मौसम विभाग के अंदर ने अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के मुताबिक 25 मई को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, लेकिन 26 और 27 को पूरे राज्य के लिए अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। वहीं 26 और 27 मई को पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के सभी 38 जिलों में पश्चिमी पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर और सुपौल, अररिया, किशनगढ़, मधेपुरा और सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, बबुआ और औरंगाबाद, जहानाबाद वगैरह, मतलब ये टोटल जो 38 जिले हैं यहाँ पर ये अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। बिहार के जो 38 जिले हैं सभी में ये अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है 26 और 27 तारीख का। वही मौसम विभाग ने 26 और 27 मई को तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। इन जिलों में कई जगहों पर बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वही 25 तारीख के दिन बिहार के कुछ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है, जिसमें पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, वैशाली और शिवहरी समेत ये कुछ जिले हैं जहां पर यह अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। 25 तारीख को भी यहां पर बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग के मुताबिक पूरी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही एक मध्य ट्रांसपोर्ट पर स्तर पर एक चक्रवर्ती परिसंचरण तंत्र यहाँ पर फैला हुआ है, जिसके अगले 6 घंटों के दौरान अब दबाव में बदलने की संभावना है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। वही 24 मई को चक्रवर्ती तूफान में ये बदल जाएगा, यानी आज ये चक्रवर्ती तूफान में बदलने की संभावना है। वही 24 घंटे बाद ही गंभीर चक्रवर्ती तूफान बनकर ये आगे की ओर बढ़ेगा। वही से ये आशंका जताई जा रही है कि 26 मई को बंगाल और उड़ीसा के तटों से टकराएगा। वही बांग्लादेश के तटों पर भी पहुंचने की संभावना है। वही 26 मई 2021 को शाम को बंगाल और उसके आसपास सटे उत्तरी उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों को पार करने की संभावना इसकी यहां पर जताई जा रही है तूफान की। चलिए बात करते हैं अब झारखंड राज्य के मौसम समाचारों की। तो झारखंड में भी दिखेगा चक्रवर्ती तूफान यास का असर। 25 से 28 मई तक मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे गहराता जा रहा है। ये यास नाम के तूफान के रूप में यहाँ पर बदलने वाला है। वही यास 26 मई को यहाँ पर उत्तरी उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटों से टकराएगा। इस दौरान यहाँ पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। वही रांची स्थित मौसम विभाग के यहाँ पर विभाग के अधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया है कि इस तूफान का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया है कि चक्रवर्ती तूफान के कारण आगामी 25 से 28 के बीच पूरे झारखंड में आंधी के साथ साथ मूसलाधार बारिश और वर्षा की संभावना। इस दौरान राज्य में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। इसको लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के हैं आसार। जून के दूसरे हफ्ते में होगी मानसून की एंट्री। मध्य प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जो मौसम है उसमें लगातार बदलाव का दौर जारी है। वही वातावरण में नमी के चलते बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। वही बादल के कारण यहाँ पर बारिश के आसार बन रहे हैं। वही मौसम विभाग ने एक बार फिर 22 जिलों में आज बारिश की चेतावनी जारी की है। वही आज गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गिरने के भी आसार है। वही पिछले 24 घंटों के दौरान दोमा में बारिश हुई है और इंदौर में बूंदाबांदी देखने को मिली है। वही आज कुछ इलाकों में बारिश यहां पर होने के आसार यहां पर जताए गए हैं। वही मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर संभाग के 8 जिलों के साथ साथ सागर, दोमा और उमरिया, भोपाल, विदिशा, धार और उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, ऊना और होशंगाबाद जिलों में बारिश की संभावना आज जताई गई है। और कुछ जिलों में गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज बारिश तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इधर केरल के जो तट है वहाँ पर 1 जून को मानसून दस्तक देते ही मध्य प्रदेश के इंदौर में 20 जून के आसपास यहाँ पर मानसून आने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। यानी 20 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून यहाँ पर सक्रिय हो जाएगा। वही मौसम विभाग की माने तो 25 मई को शुरू हो रहे नौतपा में जो नोत पे है
उनके तापमान में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वह 2829 मई से फिर से तापमान में कमी आने लगे। इसका कारण 26 मई को चक्रवाती तूफान है यास, उसके ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की संभावना है, इससे गुजरने की संभावना है। इसके कारण पूर्वी क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इधर इसका असर को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका असर MP के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है, इसलिए MP के भी कई जिलों में यहाँ पर बारिश का ये जो संभावना है यहाँ पर ये जताई गई है। वही मौसम विभाग ने जबलपुर संभाग के जिलों तथा कुछ जिले हैं जहाँ पर ये येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है बारिश का, ये बारिश यहाँ पर आज हो सकती है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली के मौसम समाचारों की, तो दिल्ली और NCR के कई इलाकों में धूल का गुबार, दृश्यता में कमी से लोग हो रहे हैं परेशान। राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। वही तोकते तूफान और पश्चिम विक्षोभ का असर भले ही अगर खत्म हो गया हो, लेकिन दिल्ली में गर्मी के तेवर अभी भी नरम ही है। वह राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में कल सुबह धूल का गुबार यहां पर देखा गया था रविवार के दिन। इसकी वजह से अक्षरधाम और DND समेत कई जगहों पर दृश्यता कम रही। वही रेवाड़ी में धूल का गुबार यहां पर देखा गया है। वही सुबह उठते ही लोगों को लगा कि एक बार ऐसा लगा को माना यहां पर मानो कि यहां पर धुंध यहां पर छाई हुई है, लेकिन ये गहरी धूल की चादर है। वही दम रोगियों के लिए ये धूल संकट यहां पर खड़ा करेगी। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ इलाकों में यहां पर बादल छाए रहेंगे। वही अगले 24 घंटों में तेज हवा चलने के साथ साथ यहां पर अगले 24 घंटे तेज हवा चलने के साथ साथ दिन भर बादलों और सूरज की लुकाछुपी जारी रहेगी। कुछ जगहों पर गर्जन वाले बादल बनने के साथ साथ बौछारें भी पड़ सकती है। वही आज अधिकतम दिल्ली में तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग ने जताया है। इससे पहले कल अल सुबह यहाँ पर दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई थी।